नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा खविया। समाज का मतलब है सबको संभालने वाला, लेकिन जब समाज ही जानवरों जैसा सलूक करने लगे तो इंसानियत शर्मसार हो जाती है। ऐसा ही कुछ रेवाड़ी के बोलनी गांव में देखने को मिला, जहां एक वृद्ध महिला एक मानसिक रूप से दिव्यांग को बुरी तरह से पीटती हुई नजर आ रही है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। आखिर कहां गई इंसानियत? ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी के बावल के बोलनी गांव की। देखिए कैसे ये वृद्ध महिला जल्लाद बनी हुई है। ना कोई दया है, ना कोई ममता है और ना ही कोई इंसानियत है। है तो बस जमीन की चाह और उसके लिए एक मानसिक रूप से दिव्यांग हो चुके इंसान पर अत्याचार का ये आलम। वृद्ध महिला बेरहमी से एक शख्स को पीट रही है। लोग देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और मारपीट का लुत्फ उठा रहे हैं। वीडियो को जरा गौर से देखिए, कैसे मानसिक रोगी शख्स पर वृद्ध महिला एक के बाद एक डंडे से लगातार प्रहार कर रही है। इस वृद्ध महिला की क्रूरता तो आप वीडियो में देख ही रहे हैं, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रही है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल ये भूप सिंह नाम का ये शख्स जिसके साथ मारपीट हो रही है, कुछ दिन पहले पूरी तरह से स्वस्थ था, लेकिन कुछ दिनों से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। भूप सिंह के आगे और पीछे उसे संभालने वाला कोई नहीं है, जिसका पूरा पूरा फायदा उसके पड़ोसी और पड़ोसन के बेटे ने उठाया और उसके घर पर कब्जा कर लिया। अब भूप सिंह गांव में ही दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर है। इस मानसिक रोगी का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने घर की ओर आ गया और बाहर एक पेड़ की छांव में बैठ गया, जिसके बाद इसके साथ जानवरों जैसा सुलूक किया गया। ये मजबूत दिखो तो आई ऐसी थोड़ा बहुत दिया भी ना दिया, ना कोई पंच ना सरपंच ना कोई बहुत जी आदमी पकात भोट दी और देखो आप कंडीशन देख ही लीजिए। नहीं, कहा जाता है कि इंसान को सबसे पहले जरूरत पड़ने पर समाज ही काम आता है, लेकिन यहाँ तो समाज ही दुश्मन बन बैठा है। ना कोई अपना दिख रहा है, ना कोई सहारा और ना ही इंसानियत। खैर अब उम्मीद है तो सिर्फ प्रशासन से। क्या मामले के संज्ञान में आने के बाद प्रशासन इस बेघर और इस बेसहारा को उसका घर दिला पाएगा और क्या आरोपियों को उनके गुनाह की सजा मिलेगी? हरियाणा न्यूज के लिए रेवाड़ी से सुरेंद्र गोड़ की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से जमीन के खातिर ये महिला जो कि खुद वृद्ध है इस तरह से मारपीट कर रही है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई आखिरकार क्या है, क्यों ये किया जा रहा है और आखिरकार अब जब ये सब हो गया है तो न्याय कौन दिलाएगा, इसको लेकर सवाल करेंगे, जवाब भी जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जमीन को लेकर किस तरह से इंसानियत को शर्मसार किया गया है ये वाक्य रेवाड़ी में देखने को मिला, इसी को लेकर चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ महाराज सिंह जी, पूर्व रिटायर्ड एसपी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है महाराज सिंह जी आपका। महाराज सिंह जी, सबसे पहले ये पूरा चित्र देखकर, ये पूरा वीडियो देखकर क्या कहेंगे? सबसे पहले क्या आपके मन में आ रहा है कि किस तरह से लोग इस कदर अब उतारू हो चुके हैं कि मन बुद्धि को भी ऐसे पीटने लग गए? बहुत अमानवीय है, बहुत निंदनीय है। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, वृद्ध महिला। हर जगह सीनियर सिटीजन को एक तरह से मान सम्मान दिया जाता है और आम हालात में भी ये सोचा जाता है, समझा जाता है कि जो सीनियर सिटीजन है या वृद्ध है वो सही बात करेगा। बिल्कुल। अब यहाँ पे महिला, उसका तो मैं सम्मान करता हूँ, महिला है वो, लेकिन अगर उसके कार्य प्रणाली को देखा जाए या उसकी करतूतों को देखा जाए तो उसने तो सीनियर सिटीजन के ऊपर भी धब्बा लगा दिया है। और महिला जो ममता की प्रतीक होती है, औरत को जो महिला है, औरत है या वुमन जो भी कहें, वो उसे ममता की मूर्ति माना गया है।
बिल्कुल और जो अब वो जैसे मंदबुद्धि बता रहे हैं तो वो तो और भी ज्यादा ममता का लाडला होना चाहिए था, उसके साथ वो डंडों का इस्तेमाल कर रही है तो ये तो एक बहुत बड़ा समाज में तो धब्बा है ही और सीनियर सिटीजन पे भी धब्बा है। अब बात करते हैं कि भाई इसे क्या मिलना चाहिए। कानून में प्रोविजन है, पहली बात तो ये कि अगर उसके मकान पर कब्जा किया गया है तो पुलिस को इस बारे में मुकदमा दर्ज करना चाहिए, मकान के बारे में भी जो मारपीट हुए उसे भी शामिल करना चाहिए और उनको बिहाइंड द बार करना चाहिए। और जो जहां तक प्रशासन की बात है, अगर वो वास्तव में बहुत ज्यादा मंदबुद्धि है तो उनके लिए जो शेल्टर होम है उनमें उसे भेजना भी चाहिए। माना सिंह, इसमें ये भी देखने को मिल रहा है कि आसपास समाज का भी कोई नहीं आ रहा बचाने तो बहुत, के लिए बहुत, बहुत, मतलब लोग देख रहे हैं, तमाशबीन बने हुए हैं, कोई सामने नहीं आ रहा। समाज में भी बहुत बड़ी गिरावट, वो जो है मतलब वो सेल्फी लेने में या वीडियो बनाने में तो वो कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, जबकि चाहिए यह था कि उसे छुड़ा लेते वो, बिल्कुल जो कुछ भी हुआ है उसे छुड़ा लेते। रिपोर्टर से एक बार पूरी जानकारी भी ले लेते हैं और सुरेंद्र गौड़ है हमारे साथ। सुरेंद्र बताइए, पूरा विवाद किस वजह से है, ये क्यों ये सब जो वृद्ध महिला है इसको पीट रही है, जमीन क्या छीनी गई है, कब्जा किया गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बोलनी गांव है जो केंद्रीय मंत्री राजकिशोर सिंह का कोतलिया हुआ गांव है, इसमें भूप सिंह है। ये भूप सिंह जो है इसके कोई भी औलाद नहीं है, इसके मात्र एक बहन है और ये मंदबुद्धि है। काफी दिनों से जो पिटाई कर रही है महिला, इसके सामने इसका एक मकान होता था जहाँ ये रात को अपना रात को ही रहता था वहां पर। हाँ, तो इसकी बहन से साथ बात होकर किसी ना किसी तरीके से इन लोगों ने इसकी रजिस्ट्री करा ली। रजिस्ट्री कराने के बाद इसको जो मकान था उसको तोड़ दिया गया, संपन्न कर दिया गया। अब ये मंदबुद्धि ये दिमागी रूप से कमजोर है, जब ये वहां आता है तो इसकी सबकी मार पिटाई करते हैं। ये पूरा मामला जो है तो ग्रामीणों की उसमें था, कल देते ही पिटाई हुई तो ग्रामीणों ने इसका एक वीडियो बना लिया और हरियाणा ने उसको यहाँ दे दिया। जी, अब ऐसे में ग्रामीणों की तरफ से भी मदद नहीं की गई। और ये बताइए सुरेंद्र, मतलब ये जो मकान है वो अब उसी महिला का हो चुका है जो पहले इस शख्स का था? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो इस तरीके की रजिस्ट्री नहीं हो सकती, लेकिन मुख्तार आम जो जो नॉमिनी है वो उसकी बहन को बनाया गया है और बहन से ही सीधी रजिस्ट्री इन लोगों ने अपने नाम करा ली है। जी ठीक है सुरेंद्र, अब ऐसे में पूरा वीडियो सबके सामने आ चुका है, ग्रामीणों ने क्या और मदद करने की कोशिश नहीं की क्या? ग्रामीण कई बार जो है इस तरीके पर जो है टोकियो में और जो थाना है कसोला थाना उसको सूचना दे चुके, लेकिन अभी तक अधिकारियों ने किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की। मतलब पुलिस में भी जानकारी है, थाने में कहा गया, शिकायत दी गई है। जी ग्रामीणों का कहना है कि वो थाने में कई बार शिकायत कर चुके हैं इस तरीके की, अब इसकी जमीन जो है हड़प ली गई और इसके साथ मार पिटाई की जाती है, रात को बरतर ठोकरे खाने को ये शख्स जो है मजबूर है। अब सुरेंद्र, वृद्ध महिला जो है वो क्या ऐसे ही मारपीट करती है पहले भी? अगर बात करें तो ये जो व्यक्ति जो ये शख्स है जो मानसिक रूप से थोड़ा विकसित है, ये जब वो वहां आता है तब उसके साथ मारपीटाई की जाती है। चलिए शुक्रिया आपका सुरेंद्र, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। महाराज सिंह जी, सुना आपने कैसे पहले रजिस्ट्री घोटाले की तरीके से गलत तरीके से अपने नाम करवा ली जाती है और उसके बाद जिसका वो मकान है उसमें रहने की बजाय रहना तो वो नहीं पा रहे हैं बल्कि उनके साथ मारपीट हो रही है। एक बार थाना प्रभारी से भी बात कर लेते हैं, संजय हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार संजय जी, आवाज मिल रही है? संजय जी, आपके गांव का जो मामला सामने आया है इसमें अभी तक कुछ कार्रवाई हुई है क्या? वृद्ध महिला की वीडियो वायरल हो रही है, एक मंदबुद्धि को मार रही है। ये बावल के बोलनी गांव का मामला है। कब का मामला है? मेरे संज्ञान में नहीं है मामला। क्या मामला है? आपके संज्ञान में ही नहीं है मामला? लेकिन संजय जी, ये कहा जा रहा है कि कई बार थाने में शिकायत भी दी गई। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक वृद्ध महिला है, एक मंदबुद्धि को मारती पीटती हुई नजर आ रही है, डंडों से मार पीट रही है, ग्रामीणों ने ही उसकी वीडियो बनाई है। कब का मामला है? अभी कुछ हाल फिलहाल का ही है क्योंकि मेरी बात वीडियो जो है अभी हाल फिलहाल हुई है। जी महाराज सिंह जी, संजय जी मैं रिटायर्ड एसपी महाराज सिंह बोल रहा था जी।
पूरे हरियाणा में ये फैल चुकी है और आपको, हेलो आप पूरे हरियाणा में खबर फैल चुकी है, आपको जी, आपको आपके क्षेत्र के बारे में पता ही नहीं है। तो इसे नहीं कोई इसे चीज कोई शिकायत नहीं और है देखिए, बात कोई शिकायत अरे या एक बात मामला ऐसे। सुनिए जी जी बताओ संजय बताओ जी जी, मुझे बताइए कि अगर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की आपको सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो तो भी आप केस रजिस्टर करते हो? नहीं करते हैं, टेलीफोनिक भी सूचना नहीं है अब तक मेरे नोटिस नहीं है में, ना, वो टेलीफोनिक सूचना नहीं। गांव गांव वाले टीवी वालों को तो ये बता रहे हैं कि हमने कई बार गए हैं वहां पे, शिकायत की है थाने में, नहीं, और कोई था सूचना है ऐसा मामला एक नहीं है, मिनट, कुछ नाम प्रॉब्लम आप हरियाणा न्यूज खोलिए, आपके पास टीवी लगा रखा चलिए, अब तो सरकार संजय ने। जी के पास मामला कोई चला गया, मैं अब तो गया देखता संजय हूँ जी, उसको। अब तो आपके नहीं संज्ञान में आप टीवी मामला है। देखिए, सिर्फ ये कहने से कि मुझे इतना नहीं है, इससे ज्यादा शर्मनाक एसएचओ के लिए बात नहीं हो सकती कि उसके क्षेत्र में कोई बात हो और उसे पता ना हो? मैं तो एसएचओ देता हूँ आप, साहब, एसएचओ साहब, मेरे तो एसएचओ साहब मेरी बात सुनिए कि पूरी दुनिया में पता हो रहा है एसएचओ को, उसका पता नहीं है, उससे शर्मनाक बात एसएचओ के लिए नहीं हो सकती कोई? आपकी आवाज ये क्लियर बताइए इतना नहीं है आवाज क्यों सर, आएगी? अब अच्छी आवाज नहीं है ना आवाज संजय जी ये भी आवाज बताइए क्लियर मुझे, आपकी अब ये बताइए आपका, ठीक है, आप मुझे ये बताइए अब आपकी जिस जो नॉलेज जिनको में हमने है, सुनाना था उनको बता दिया है बिल्कुल हमने। अब आपकी जानकारी में है पूरा मामला, अब बताइए अब आप क्या एक्शन लेंगे, क्या जांच पड़ताल की जाएगी? अब तो आप अभी तक तो आप टाल रहे थे कि आपको पता ही नहीं है ऐसा कुछ हुआ, लेकिन अब हाँ नहीं रहा मैं, फैक्ट ये है कि कोई सूचना, कोई टेलीफोनिक सूचना, कोई वैसी शिकायत ही नहीं है। अब अब मीडिया आप के ये माध्यम नोटिस से पर आपको नहीं है, पता लगा है, मीडिया के माध्यम से ही आपको पता आप लगा है। ये मामला नोटिस में आया है, मैं खुद गांव जाकर मैं इस चीज की जांच जांच पड़ताल कर लूंगा, जो भी कानून के मुताबिक ठीक है, कार्रवाई वो करेंगे। आश्वासन दे रहे हैं, मतलब आपके खुद जाएंगे जांच पड़ताल करेंगे। मैं खुद जाता हूँ, मौके बाहर ही जाता हूँ। चलिए शुक्रिया संजय जी, हालांकि अब आश्वासन आपने दिया है, जाएंगे आप नहीं, कब ये तो जाएंगे? देखिए पुलिस के पार्ट पे इससे घटिया बात कोई हो नहीं सकती। वो अपने ऊपर से टला रहे कि हमारे पास इतना नहीं और है। अभी महाराज सिंह जी मानो लग नहीं रहा कि वो वहां पर जाएंगे नहीं, और क्यों कुछ जाएंगे, एक्शन उसके क्यों बाद जाएंगे करेंगे। वो? हाँ क्योंकि अभी भी इस तरह जब से सारी मामला आप उनके संज्ञान देखिए में है आपके नहीं। आपके पास ये इतला है, यहां पे इतला आ रही है थाने में, जिसको जिसके सोर्सेज होने चाहिए गांव में, उसके पास सोर्सेज नहीं है कि भाई नहीं उसके है। गांव की इतला मिल सके उसे। ठीक है बिल्कुल, अब देखते हैं, बहुत शुक्रिया महाराज सिंह जी, आपका देखना यही है अब ऐसे में क्या अब पुलिस करती है इस पूरे मामले पर कार्रवाई, क्या वाकई में थाना प्रभारी पहुंचेंगे मौके पर और उसके बाद कुछ जांच पड़ताल करेंगे, या फिर अभी भी मामले को टालते हुए नजर आएंगे जैसे अभी टालते हुए नजर आए। नजर लगातार हम बना के रखेंगे, फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।